ऑल राइट गाइज, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ रन सिमुलेटर। तो गाइज, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा लग्जरी हाउस यहाँ पे बिल्ड किया था। एंड गाइज यार, आज के इस एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं और यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि इतने सारे पिग्स, इनकी जो तादाद है ना भाई, मैं क्या बोलूँ। बस ये देखो तुम लोग, यहाँ पे इतने सारे पिग्स हो चुके हैं ना भाई, इनको मारना पड़ेगा अपने को। देख रहे हो उनकी तादाद, देखो भाई, मतलब भर चुका है पूरा का पूरा फार्म। अगर इनको अभी नहीं मारा ना तो भाई बाद में अपने को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और इन लोगों ने कितना सारा हग रखा है भाई, ये देखो हर जगह पे। एक बार देख रहे तो इनका खाने वाने का क्या सीन है भाई, मरवर ना जाए ऐसे ही। एक मिनट ज़रा ओके भाई, इसका ज़रा खाना भरने दो। और ना एक और चीज़ मेरे को देखनी है ज़रा, यहाँ पे हमारे जो काउज है उनका भी मेरे को खाना ना यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ज़रूरी है भाई वो। एंड लास्ट अपन लाइक वीडियो को एंड करते करते ना, यहाँ पर आज हम लोग बनाने वाले हैं एक, वैसे मैं सोच रहा था कि अपन घोड़ों के लिए एक बांड बनाते हैं, लाइक घोड़ों के लिए एक अलग जगह बनाते हैं। लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग यहाँ पे पहले एक बीफ का बार्न बनाए, ठीक है, जहाँ पे हमारे सारे के सारे बीफ काउज होंगी और उनका भी हम लोग दूध यूज़ करेंगे, ठीक है। अपन मीट वगैरह नहीं निकालने वाले क्योंकि मुझे पता है तुम लोग फिर वही चीज़ यू नो, सो इसलिए अपन यहाँ पे एक बीफ का बनाएंगे और सिर्फ दूध के लिए ही यूज़ करेंगे उसको, और उनका ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो अभी सबसे पहला एक काम कर लेता हूँ, मैं जाके यहाँ पे इनका ना खाना चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई हमारी ये वाली काउज खामखा मर जाए, ठीक है। ये देखो, यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है ना कि ये वाला जो फीडर है ना, ये इनको भी फीड कर रहा है और इन्हीं के साथ साथ ना ये पिग्स को भी खाना दे रहा है। तो भाई दिक्कत ये हो रही है ना कि हमारे जो काउस का खाना है ना काफ़ी कम अमाउंट में बच पाता है। और एक सेकंड यहाँ पे, अबे यार एक और अंडा फूट गया। और भाई अंडे तो काफ़ी सारे दे दिए इन लोगों ने, लेकिन तुम लोग कह रहे हो कि यार कमेंट में तुम लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पर ना एक मुर्गा भी लेकर आ जाओ, लेकिन भाई मैं इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि देखो मैं मुर्गा लेकर आ गया ना तो मुर्गियों की वजह से लैग करेगा गेम, समझ रहे हो तुम लोग। अभी यहाँ चलते हैं और या गाइज हम लोग इन सबको पेलने वाले हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले तो तू जरा बैठे, ये जाएगा सारे, सिर्फ बच्चे बच्चे रखूँगा मैं, बाकी सारे मरेंगे। चल निकल, तू भी निकल, तू भी निकल, तुम्हारी भैंस की। अरे घोड़े तू भाई एक जगह बैठ जाओ, ओए ओए दूर रहे मेरे से, साढ़े तेरी आ सकता सी। रुक जाओ गाइस, बस बच्चों को रखूँगा मैं, बाकी सारे मरेंगे यहाँ पर, ठीक है। ये गया, ये गया, ये गया, भाई सब सारे पिक्स तो आज ख़त्म है यार। गोलियाँ कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, मेरे पे कितनी गोलियाँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। 56 गोलियाँ बची हुई सिर्फ मेरे पास में। ओके वेल गाइस, मैंने डिसाइड किया कि मैं मार तो रहा हूँ सारे के सारे पिक्स, लेकिन एक बार ना गिन के देखते हैं कि कितने पिक्स अपन टोटल यहाँ पर मार रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक हो चुका है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ओके 13 पिक्स तो मैंने मार दिया, अभी 14 15 16 17 18, अरे यार रुक जाओ, 17 अभी तक मारे हैं सिर्फ, ठीक है दोबारा काउंट करना पड़ेगा 17। रुक जा, जल्दी नोट कर ले भाई, 18 19 20 21 22 23 24। अबे यार तेरी भैंस की आँख साला। ओ भाई कितने सारे पिक्स मार दिए, लेकिन 24 25 26 हो गया 27 20। अबे नहीं हुआ, रुक जाओ, काउंटिंग थोड़ी गलत हो गई है, मेरे को दोबारा गिनना पड़ेगा भाई। रुक जाओ, पहले मार देता हूँ सारे सारे बड़े वालों को, ठीक है, उसके बाद में गिनेंगे। और आई थिंक सारे सारे मर चुके हैं, एक बचा हुआ है। रुक जाओ, तेरी पैन के कहाँ भाग के जा रहा है, किस भाग के जा रहा है वे साढ़े। रुक जाओ गाइस, एक बार गिन के देखते हैं कितने टोटल पिक्स हैं यहाँ पर, इधर से काउंट करेंगे सारे के सारे, ठीक है। भाई गेम देख रहे हो कितना लैग मारने लग रहा है अभी से, 26 27 28 एंड 29, मतलब लगभग अपन ने 30 पिक्स यहाँ पे मार दिए हैं। मे बी एक ऊपर नीचे हो गया होगा, पर स्टिल मैंने यहाँ पे 30 पिक्स आराम से मार दिए भाई साहब, है इसकी आँख इनकी। अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं यार यहाँ पे, इनको पेलना पड़ेगा अपने को जल्दी। वैसे सारा सारा मीट अपने को इकट्ठा करना है, उसको सेल भी करके आना है, लेकिन उससे पहले ना मैं थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे हमारे बीफ काऊ का जो हमारा बांध होने वाला है उसका थोड़ा बहुत डिज़ाइन अपन यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। इसका डिज़ाइन मैं थोड़ा सा फ्लैट बनाऊंगा और दोनों का, एक्चुअली मैं ना घोड़े का और हमारे काऊ बीफ जो है ना उनका थोड़ा फ्लैट बनाऊंगा मैं सरफेस, ठीक है। चलो यहाँ सबसे पहला मैं जो वुडन फाउंडेशन ले लेता हूँ और यहाँ पर अपन थोड़ा ना इस पर काम कर, थोड़ा छोटा बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला भाई मैं इसको। यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लगा देता हूँ इसको यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं 3 4 और 5। लेट्स सी कि 5 में सही लगेगा कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। और 3 4, ज़्यादा तो लेकर आऊँगा नहीं मैं, 5 आई थिंक इनफ होएंगी बीफ, ठीक है, या 5 बीफ इनफ होएगी हमने लिए। और यहाँ चलते हैं, इसको कर देता हूँ मैं पूरा का पूरा बंद यहाँ पर। चलो ये हो गया पूरा, यहाँ पर लगा रहा हूँ मैं ग्रीन हाउस वाले वॉल्स को, ठीक है। ये इधर लग जाएंगी और ये लग जाएगा यहाँ पर, एक मिड में थोड़ा सा रास्ता रखूँगा ताकि अपन अंदर भी जा सके, ठीक है।
यहाँ पे जाते हैं और मैं स्टेयर्स की वजह से ज़रूरत है नहीं पर मैं लगा देता हूँ फिर भी ताकि ना सब अजीब सा ना लगे यहाँ पे, लगे कि हमें स्टेयर्स से लगा रखी एटलीस्ट अपन ने। एंड आफ्टर दैट मैं अगर यहाँ पे बीफ्स को रखूँगा तो मेरे को उनको दूध निकालना है सिर्फ, राइट, सिर्फ दूध निकालना है अगर, तो यहाँ पे अपन एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे भी चीज़ वाली वो लगा सकता हूँ मैं। और या गाइज़ यहाँ पे भी अपन ना चीज़ का काम कर सकते हैं इसके दूध के साथ में, क्योंकि अपने को फिर बार बार ना अंदर नहीं जाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसके लिए अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे छोटी वाली जो दीवारें होती हैं इनको बनाते हैं, यहाँ चलते हैं और ये जो छोटी वाली दीवार है ना इसको अपन यहाँ पे लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलो इधर लग जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, एक इधर आ जाएगी, एक इधर आ जाएंगी, आ तो जानी चाहिए, ठीक है। ऐसे पांच काउ से मेरे को लगता नहीं, तीन काउ से एक का भरता है ना, एक कैन भरता है तीन काउ से, तो यार पांच काउ रखने का मतलब नहीं है इसके हिसाब से देखा जाए तो ना। तो इनको हटा देता हूँ, एक दो और तीन, और तीन इस साइड में, क्या कहते हो गाइस, सही नहीं लगेगा ये? अभी रुक जाओ, देखते हैं, यहाँ पर चलते हैं और जैसे वो बना रखा है ना वैसे इसको बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से करके देखेंगे अगर कैसा हो पाएगा ये। तो अभी ब्लूप्रिंट ना कुछ इस तरह का लग रहा है, ठीक है। यहाँ से अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारी बीफ काउज होंगी और यहाँ पे हमारी बीफ काउज होंगी, ठीक है। इनका दूध निकालने के लिए अपने को यहाँ पर मशीन्स रखनी पड़ेंगी और कैंस लेकर आनी पड़ेंगी। तो तीन काउज एक भरता तो दो कैन यहाँ पर फिल होंगे, और चीज़ का काम मैं वहीं पर करने वाला हूँ, यहाँ नहीं करने वाला, क्योंकि यहाँ पे बनाऊंगा तो ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यूज़ होएगा और उसकी वजह से जो है ना गेम भी यहाँ पे लैग हो सकता है, इसलिए, समझ रहे हो। लेकिन अपने को इस बार ना इस साइड में फ्रेम्स लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर का जो रूफ़ वाला काम है ना वो अधूरा रह जाएगा अदरवाइज, समझ रहे हो। तो मेरे को इस बार यहाँ पर फ्रेम्स भी लगाने पड़ेंगे, ये ज़रूरी होने वाला है इस बार का। चलो कोई दिक्कत नहीं है, और ये मैं एक सेकंड, मैंने अभी बीच में बनाया था एक, ये हटा देता हूँ। एंड आई थिंक इतना बुरा भी नहीं लगेगा। एक बार मैं चीज़ ट्राई करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैं करना चाह रहा हूँ वो कर पाएंगे अपन। तो मैं सिलेक्ट करूँगा इस ग्रीन हाउस ट्राइंगल को, और गाइज आई थिंक इस बार ऐसा ना अपन वो चीज़ बना पाएंगे जो अपन उस वाली फैक्ट्री के अंदर करने वाले थे, लेकिन वो हुआ नहीं था पॉसिबल। तो यहाँ ट्राई करते हैं इस बार, इसको थोड़ा तगड़ा बनाएंगे, क्योंकि इस बार लेट्स सी इसमें अगर लग गया ना तो मज़ा आ जाएगा भाई, एकदम तगड़ी से बन जाएगी अपनी फैक्ट्री। ये लग जाएगा इधर, और इनको करना है अपने को यहाँ पे, चलो इधर रुक जाऊँगा ना, एफ पी पी कर लेता हूँ ताकि थोड़ा आसानी से अपना काम यहाँ पर हो जाए। चलो बहुत ज़्यादा बढ़िया। और ये देखो गाइस अभी हमारा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह का लग रहा है, इतना भी बुरा नहीं है, बढ़िया है यार। अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी मैं इसका जो है ना, मैं सोच रहा हूँ इसका लुक जो फिर से चेंज करूँ पूरा का पूरा, आगे से थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ इसको ना थोड़ा डिज़ाइनिंग का ट्राई करते हैं लुक देने की, अगर पॉसिबल हो पाता है उस तरह का कुछ। क्या करूँ इसका मैं, अगर मैं यहाँ पे भी फ्रेम ऐड कर देता हूँ, लेट मी गिव द ट्राई एक बार, इनको साइड साइड में लगा देता हूँ एक बार, और इसके ऊपर मैं लगाऊंगा हमारी जो ट्राइंगल वाली होती हैं, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल, ये रहा ग्रीन हाउस का रूफ। ओके ये भी लग जाएगा, मैं बगल बगल में ग्रीन हाउस वॉल्स लगा दूँ तो आई थिंक इट विल लुक मच बेटर। एंड अभी मेरे को क्या करने का है ना, यहाँ पर बनाना है ये दरवाज़ा, ठीक है, ये रहा वुडन गेट। और ओके मेरे को यहाँ पे फ्रेम ऐड करना पड़ेगा, वो ऐड करने से पहले तो यहाँ चलते हैं पीछे और ये जो गेट फ्रेम है इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ कर देते हैं गेट को ऐड। एंड या रुको एक काम करूँ क्या मैं, अगर साइड साइड में गेट लगा दूँ तो वैसे ज़रूरत है नहीं गेट्स की ना, तो क्या हो गया भाई। और इस घोड़े को वैसे मैं खाना वाना दे नहीं रखा, मेरे को लग रहा है मरने वाला है जल्दी ही ये। तो गाइस एक बार मेरे को बताओ कि फैक्ट्री लग कैसे रही है, अभी तो पूरा करूँगा ना तब बढ़िया लगेगी, लेकिन अभी तो कुछ खास लग नहीं रही है। इसको तो अपन नेक्स्ट एपिसोड में पूरा करेंगे, और ना रुक जाओ ज़रा, या फिर अगर अभी टाइम बचेगा तो मैं इसको भी पूरा बनाऊंगा भाई, एकदम तगड़ी फैक्ट्री बना दूंगा इसको मैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं, मेरे को ग्लास वाले ट्राइंगल देखने दो एक बार कहाँ पर है, ये रहा ट्राइंगल, इसको अपन ऐड करेंगे यहाँ पर और इनको लगाएंगे अपन, एक यहाँ आ जाएगा और एक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में मेरे को लगानी है हमारे जो ट्राइंगल वाली वॉल्स है, और रुक जाए सेकंड, इसको मैं हटा के ये राइट वाली भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, नहीं लेफ्ट वाली लगेगी इधर, ऑल गुड। और उसके बाद में मेरे को यहाँ पे लगानी है ये, चलो बढ़िया, और ये आएगी राइट वाली, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई अभी तो, ये सही बता रहा हूँ मजाक सट के। एक सेकंड, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है थोड़ी गड़बड़ होने वाली है, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, रुक जाओ इसको भी यहाँ पर लगा दो, इधर आ जाएगा और ये राइट वाली यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, चलो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। एंड बाहर से तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ठीक है, और तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो कैसा लग रहा है और कैसा नहीं। यहाँ से अंदर जाएंगे और ये थोड़ा सा ये ना बेकार बना दे रहा है इसको, लेकिन क्या कर सकते हैं, रुक जाओ एक काम करूँ मैं, ट्राई करता हूँ अगर मैं फ्लोर्स ऐड कर दूंगा ना तो उससे क्या ना थोड़ा क्लीन लुक आएगा हमारी इस फैक्ट्री के अंदर, समझ रहे हो तुम लोग, काफ़ी ही क्लीन लुक आएगा। रुक जाओ अभी रूफ ऐड करना जरा यहाँ पे,
ये यहाँ क्यों ऐड नहीं हो रहा? ओके हो गया। देखो भाई अभी इसको जो तगड़ा सा क्लीन लुक दिया है ना अपन ने यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगेगा इससे। ये देख रहे हो, इससे वो कवर हो चुका है गैप भी, और ये ना भाई बहुत ज़्यादा बढ़िया प्यारा सा लुक दे रहा है अभी। देखो अभी इसको पूरा करेंगे ना तब और ज़्यादा बढ़िया लगेगा, समझ रहे हो गाइस। और यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं लाइट ऐड कर देता हूँ। लाइट है मैं वैसे यहीं पर लगाने वाला हूँ, लैम्प इन जो दीवार है ना ये वाली। चलो यहाँ पर लगा दी मैंने लाइट है, जिससे कि ना अपना जो लुक आने वाला है ना इसका, हमारे इस फैक्ट्री का, वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा निखर के आएगा। इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और एक लगाऊंगा मैं बाहर की साइड में भी, ठीक है, ताकि इससे अच्छा लगे देखने में, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और आई थिंक इतना बहुत है इस पर जो काम किया है अपन ने। अभी मैं जा रहा हूँ अपने जो पिक्स मैंने स्कैन कर दिया ना उनको मैं ट्रेलर के अंदर लोड करूँगा, ताकि उनको अपन सेल कर सके अच्छे खासे प्राइस में और थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक और काम है हमारा, जो जितने भी लॉग्स वगैरह पड़े हुए ना इनको अपने को कन्वर्ट करना है यार। अभी तक अपन इनको कन्वर्ट किया ही नहीं है, ऐसे कैसे पड़े हुए हैं बहुत टाइम से, पर काफ़ी ज़्यादा स्लोली होते हैं, तो मेरा ना मन भी नहीं करता फिर करने का यार इन सबको ना। पहले उसको ऑन कर देता हूँ, और एक सेकेंड गैस कैन कहाँ चली गई भाई? इतनी सारी गैस कैन थी मेरे पास में। अच्छा ये रही ना, सॉरी माय बैड गाइस, रुको इसको ज़रा मैं नीचे करता हूँ, और इसमें जो फिल हो रखी है ना इस वाले को लेता हूँ और इसको रिफ़िल कर देता हूँ ज़रा मैं यहाँ पे, और इसके अंदर अपन डालते हैं लॉक्स वगैरह। और भरा कि नहीं भरा ये? चलो फुल तो हो चुका है, इसके अंदर थोड़ा बहुत अभी बचा हुआ है तो मैं इसको लगे रहने देता हूँ, ठीक है फिलहाल के लिए। तो चलो तो गाइस ये लास्ट बचा हुआ है, इसको मैं यहाँ पे फटाफट से कर देता हूँ, और इन सारे सारे प्लैंक्स को कन्वर्ट करके मैं साइड में रख देता हूँ, ताकि अपने को बाद में दिक्कत ना हो बार बार। इनको यहाँ साइड में रख देते हैं फिलहाल के लिए। ये बढ़िया है यार, कन्वर्ट करके साइड में रख दो लॉग्स को तो ना इधर उधर लाइक फैलते नहीं हैं फिर ये। इनको यहाँ रख देते हैं, इनको यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है भाई। तू शांत हो जा प्लीज़, बचना रुक जाओ, इसको ना मैं पूरा भर देता हूँ पहले तो। मशीन को कर दिया मैंने ऑफ, और हमारे जो जारी कैन है उसको भी मैं यहाँ पर साइड में रख देता हूँ वापस से। रुक जाओ गाइस एक सेकंड, एंड वन मोर थिंग भाई, बारिश है इसकी यहाँ साला, बारिश क्यों होने लग जाती है ऐसे टाइम पे? इसको ना मैं इसको अभी बाउंड्री ऐड कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ताकि ना अपने को बाद में दिक्कत ना हो ज़्यादा यहाँ पे, क्योंकि जितना मुझे लग रहा है ना फिर अपने को ना गाड़ी वाड़ी यहाँ घुमाने वाने में ना ये घरों के अंदर ही घुस जाएगा अपना ट्रक वगैरह, इसलिए समझ रहे हो। यहाँ पे लगा दिया मैंने, और अभी अपन एक बार ना ऊपर के जो दरवाजे वगैरह हैं ना यार इनको मैं बंद कर देता हूँ, ये साले फालतू में ऑन हो रखे हैं, आई मीन ओपन कर रखे हैं मैंने ऐसी। और इसको भी इधर जा कर ना इसको भी मैं ज़रा बंद कर देता हूँ भाई, यहाँ बढ़िया है बारिश का। अरे ये बंद नहीं होता है, पता नहीं इसके अंदर ना कुछ तो नया नया ग्लिच आते रहते हैं भाई, पता नहीं क्या डरते हैं इसके तो। और मेरे को ना हमारा जो ट्रेलर है ना वो निकाल रहा है, मैंने काफ़ी टाइम से ना हमारी जो ऑयल वाली मशीन्स है ना भाई उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी मैंने, तो भाई मेरे को नहीं पता उसमें तेल भर भी रहा है या फिर तेल ख़त्म हो चुका है, समझ रहे हो। तो मेरे को अभी जाके उनको वापस रिफ़िल भी करके आना पड़ेगा भाई, बहुत सीन है। रुकूँ इसको यार, मैं ना सोच रहा हूँ उसको साइड में ही रहने दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि बिना दिक्कत अपने को ही सहन करनी पड़ती है। ये देखो यार इसमें ना ट्रीज़ का कुछ तो ग्लिच है, पता नहीं क्या होता रहता है। रुको आ जा आ गया? नहीं आया। अबे यार इसमें ना ट्रीज़ के लग मैं पास में जाता हूँ ना तो मेरा ट्रक जो है ना इसे पलटने लग जाता है भाई। एक सेकंड, अभी यहाँ क्यों नहीं रहा है भाई, क्या पागल आगल है क्या? आ जा जल्दी आ जा, बहुत बढ़िया। चलो इसको मैं फिलहाल के लिए साइड में ही रहने देता हूँ, क्योंकि अपने को ना अभी इससे काम बहुत ज़्यादा होने वाला है, मेरे को ये फैक्ट्री पे काम करना है ना पूरा का पूरा, समझ रहे हो, इसलिए तो इसको ना यहाँ पे मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए बाद में। अरे ये भाई इन लोगों ने बोला था ये वाला ग्लिच लगभग फिक्स कर दिया है, सारा कुछ फिक्स नहीं किया है भाई, स्कैम है ये पूरा का पूरा भाई। रुक जाओ यहाँ पे सो के थोड़ा गेम सेव कर लेता हूँ, क्योंकि डर लगता है भाई जब ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही होती है, समझ रहे हो। तो कभी अगर बाई चांस कहीं फेंक दिया ऐसे ना तो थोड़ा रिस्पॉन्ड करने में आसानी होगी ना, समझ रहे हो, इसलिए। चलो इसका तो चलो काम हो जाएगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। भाई कनेक्ट मत कर लियो गलती से प्लीज़। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे, चलो अरे भाई यहाँ के साथ ये देख चलो पेड़ की भी ना अलग ही सीन है भाई, इसका भी पेड़ का भी यार। चलो गाइस अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ, और अपना जो ट्रक है जिसके अंदर हमारे सारे के सारे कूलर रखे हुए हैं उसको मैं लेकर आता हूँ। अपने को उसको रिफ़िल करना पड़ेगा और सेल करके आना है भाई, इससे पैसा कमाने का अपने को भी, और उसको ना बचा के रखूँगा मैं इंटू टू पे ही सेल करूँगा, क्योंकि यार उससे ज़्यादा पैसा मिलता है अपने को, समझ रहे हो, इसलिए। ओके ठीक है, नहीं ठीक है भाई ये कर लो तुम पहले, सारा गराज बनाया था ये क्या बन गया, ये क्या मजाक है भाई ये। एक बार रुको इसको फ्लिप कर सकता हूँ क्या मैं? इसको फ्लिप भी नहीं कर सकते भाई, ओ माय गॉड गाइस क्या ही सीन है भाई। रुको अब इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, या तो इसको फ्लिप करके करूँगा, साड़ा और ख़राब हो गया है तुम। एक मिनट गाइस एक मिनट रुक जा, अरे हाँ रुको एक और चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पर ज़रा। आई डोंट नो गाइज मैं क्यों कर रहा हूँ पर मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ। हो जा बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया। रुक जा पहुँचा और ऊपर पहुँचा इसको,
बहुत खतरनाक काम कर दिया मैंने यहाँ पे, मज़ा आ गया। एक सेकंड भाई, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, पर कर रहा हूँ कुछ तो मैं गाइस। ये देखो भाई अभी देखना इसको और ऊपर पहुँचाऊँगा। अरे भैंस की आँख, अरे भाई 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 भाई, ओ हेलो। ओके ठीक है, माय बैड गाइस, थोड़ा सीन हो गया है यहाँ पर। लेकिन अब इस ट्रेलर को नीचे कैसे लाऊं भाई मैं, इसको तोड़ा ना भाई पूरा टूटेगा ये यार। अबे भाई इस गेम के क्या ड्रामे है यार, रुक जाओ, इसको कुछ करने के लिए ना मेरे को लग रहा है नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा ये, इसको फ्लिप भी नहीं कर सकता मैं, एक चीज़ करके देख सकता हूँ। या ये सी दैट गाइस, दिमाग तो लगाते अपन भाई थोड़ा बहुत। चल यहाँ से कूदता तो था यार ये, अब क्यों नहीं कर रहा, क्या है यार इसकी क्या दिक्कत है? रुको गाइस, मेरे को लग रहा है शायद प्लैंक से होता है वो वाला बग ना, रुको, इस बग का यूज़ करके मेरे को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैंने अगर इसको गलती से तोड़ भी दिया ना भाई मेरा सीन बैठ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ से इसको लेता हूँ मैं और ऊपर चलते हैं फटाफट से भाई। यार मैं ना गलती से दोबारा इन ट्रेलर्स को यहाँ पर नहीं रखूँगा गैराज के अंदर, कसम से भाई इनको ट्रेलर्स को दोबारा गलती से ना रखूँ यहाँ पर मैं। चढ़ ले भाई, कर ले काम, अभी ठीक कर दिया इन लोगों ने वाला बग भाई, ये लोग गजब है भाई, जो ठीक नहीं करना रहता ना उसको ठीक कर देते हैं गलती से। ओ भाई इसको मैं फ्लिप भी नहीं कर सकता अब इसको मैंने तोड़ा ना भाई पूरा टूटेगा यार ये सीन है इसका भी। प्लीज़ यार देखना, अभी एक तोड़ूंगा ना, अगर इसको तोड़ूंगा तो चलो ठीक रहेगा, लेकिन ये दोनों ही तोड़ने पड़ेंगे मेरे को। वो देखो भाई पूरा ही टूट गया यार, हद है भाई, हद है, कसम से हद है भाई। अब मैं इसको रखूंगा ही नहीं यहाँ पे, ऐसिक तैसिक करा है भाई ये, इधर आ जाऊँ साढ़े तेरी ऐसिक तैसी है तुझे मैं बताऊँ, निकल यहाँ से, तेरे को दोबारा यहाँ रखूँगा ही नहीं मैं, अब कनेक्ट हो जा, बहुत मारूँगा, इधर आ। गाइस मेरे को ज़्यादा सीन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सोचा कि ये गेम रीस्टार्ट ही ना कर लूँ मैं। इतना ज़्यादा पंगा करने से बढ़िया तो यही था कि रीस्टार्ट कर लूँ एक बार गेम को, क्योंकि ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं था, सेव कर लिया था उससे पहले इसलिए। तो यहाँ चलते इस बार अच्छे से बुलाऊँगा इस ट्रेलर को, रुक जा साढ़े तेरी ऐसिक तैसी अटकेगा तो तुझे मैं बताता हूँ, रुक इस बार अटकने नहीं दूंगा इसको, रुक जाओ भी देखना तुम लोग, आ जा भाई, हद है यार ये ट्रेलर मजे ले रहा है और कुछ नहीं, रुक जाओ आराम से भागते हो चलना, चल आ जाओ ये देख रहे हो गाइस, अब इसको गलती से भी नहीं रखूंगा भाई अंदर मैं, इसने दिमाग ख़राब कर दिया मेरा अभी थोड़ी देर में बस। और इसको मैं अंदर नहीं लेकर जा सकता ना, दिक्कत ये है यार, या फिर मैं इसको नहीं लेकर जा सकता, सही में नहीं लेकर जा सकता, थोड़ा सीन तो है यहाँ पे। एक काम लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि इस ट्रेलर को थोड़ा उल्टा घुमा फिरा के अगर रखना चाहूँ तो रख सकता हूँ अंदर में ले जाके, लेट्स गिव द ट्राई, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो भी चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इतने सारे दरवाजे इसलिए बना रखे क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गलती से कहीं पर भी कोई पिग आया ना तो भाई बाहर ना निकले बस, ठीक है। रुक जाओ आराम से, चले जा रुक जा आराम से शीश, चल। ओके ये नहीं होएगा, ये अबे अटक गया भाई, ठीक है रुक जाओ। ओह माय गॉड गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन टुडे, यार क्या हो रहा है आज, यहाँ पे पिग्स के बच्चे बैठे हैं। रुको मैं काम करता हूँ जरा, थोड़े बहुत कूलर्स ले लेता हूँ, वैसे काफ़ी सारे कूलर्स लगने वाले जितना मुझे लग रहा है यहाँ पे, और इसको अगर मैंने खोला तो बाहर निकलने के लिए आएगा, मुझे पता था। अपन एक काम करते हैं यार, इधर ही लेके जाना पड़ेगा लेकिन मेरे को सारे कूलर्स को ना, रुको एक चीज़ मैं करूँगा, रुक जाओ यहाँ पे क्लिक कर करके, थोड़ा बाहर ना गिरो, सॉरी माय बैड गाइस, रुको इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ और सब कुछ नीचे गिरा देता हूँ अंदर की साइड में। अरे यार गजब है भाई, तुम भी लोग ना इधर आओ, सारे सबके सब इधर आओ, दिमाग ख़राब कर रहे कती, आ जा भाई आ जा, कोई पिक तो ना आ रहा ना, देख लेता हूँ नहीं साले मेरे भाग जाएगा पिक वगैरह यहाँ से। गाइस ये देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा भाई शाम का टाइम, देखो सूरज डूब रहा है और कितना सही लग रहा है ये ऑरेंजिश टाइप का, एकदम पूरा तगड़ा लग रहा है भाई। रुको एक काम करते हैं यार, मैंने इतना सारा तो निकाल के रख लिया लेकिन साला पता है इतना सारा बचा हुआ भाई, इतने सारे अभी मैंने 3-4 डब्बे तो भर दिए उसके बाद भी इतने सारे, अरे ओए ये देख क्या ये, ऐसे कौन चढ़ता है भाई घोड़े के ऊपर पहले मेरे को बताओ, है मतलब घोड़ा आगे भाग रहा है पीछे चढ़े से पता नहीं कहाँ से चढ़ रहा है, समझ में भी नहीं आ रहा। वो भी रात हो चुकी है और मैंने काफ़ी सारे कूलर भर लिए लेकिन अभी तक ना सारा सारा जो पोर्क है ना वो कूलर्स के अंदर फिट नहीं हुआ है मेरे को, अभी ना यहाँ से काफ़ी सारे कूलर्स और लेके जाने पड़ेंगे, आई होप सो कि उसके अंदर ना हमारा सारा काम हो जाए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मैं हमारे घर में जाके सोऊंगा, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग बाद में आके बोलोगे कि प्यार भाई तुमने घर क्यों बनाया फिर, क्योंकि तुम सोते तो बार बार जो है बेड पे ही हो नीचे ज़मीन पे, इसलिए मैं जो है यहाँ जा रहा हूँ और यहाँ पर ना आराम करते हैं। सो गाइस गुड नाइट, एंड उसी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वी आर बैक हियर एंड
बहुत ही आराम से हम लोग यहाँ पे सो रहे हैं बॉयज, और उठ भी चुके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़िया। चलो तो अभी अपन फटाफट से निकलते हैं यहाँ से। अबे तेरी ऐसे की तैसी। चलो अभी हम लोग वापस चलते हैं, और अपने को ना वापस से यहाँ पे काफ़ी सारा काम करना है कूलर्स के ऊपर। मेरे को भाई पूरे कूलर भरने हैं। आई जस्ट होप सो कि ना इतने सारे कूलर्स में ना काम हो जाए भाई, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी सारे भर चुका हूँ कसम से भाई। इनको लेके चलते हैं यहाँ से, एंड आई होप सो कि यहाँ पे जितने भी पिग्स के बच्चे थे वो उस साइड में हों अभी। यार सारे के सारे उड़ गए, दिक्कत यही रहती है पता है, ये सारे के सारे उड़ जाते हैं ना, उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि ये भागने लग जाते हैं साला इधर उधर। अभी देखना एक एक करके कोई ना कोई तो आएगा। ये देखो आ रहा है, अभी आ रहा है उसका साढ़े तेरे को, मैं बताता हूँ। जल्दी बंद कर, अरे जल्दी उठा ले, जल्दी उठा ले इसको, बंद कर। हाँ किधर किधर आ रहा है साढ़े, निकल यहाँ से। मुझे पता है तुम लोग इधर ही बाहर निकलने की फिर रात में रहते हो हर वक्त। ओके यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा पोर्क जो है इकट्ठा कर लिया। एक बार ना मैं चीज़ एक चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो मीट है इनका, पोर्क है, कहीं बाहर तो नहीं गिर गया, क्योंकि बाहर जितना भी गिरेगा ना मेरे को उठाना ज़रूरी है, नहीं तो ना ऐसे पड़ा रहेगा तो भाई बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। तो मशीन के पास तो नहीं है, यहाँ पर देख लेता हूँ। इधर भी पूरा खाली पड़ा हुआ है, और इधर भी पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग। एंड अभी मैं जरा फटाफट से सारे सारे जितने भी ये पड़े हुए हैं इनको मैं इस साइड में ले आता हूँ, ताकि इनको अपन वहाँ पे लोड भी कर सके वापस से। ओके यहाँ पे मैं सारे सारे कूलर्स लेकर आ चुका हूँ। अभी टाइम आ चुका है इन सारे के सारे कूलर्स को इसके अंदर लोड करने का, जिसमें अपने को सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसके अंदर। एक सेकेंड, इसमें सिर्फ 8 पोर्क, अच्छा लास्ट में सिर्फ 8 ही पोर्क बचा था। मैं कह रहा हूँ इसमें सिर्फ 8 क्यों है भाई। ठीक है, और मेरे को इनका खाना भी देखना है यार, एक सेकंड रुक जाओ गाइस। मैंने चाहता हमारी काउज वगैरह मर जाए खामा खा, तो एक बार खाना भी चेक कर लेते हैं। खाना चलो इनका फुल है, और हाँ उनके लिए भी तो ग्रैनरी बनानी पड़ेगी ना, उस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई। गजब भाई, रुक जाओ गाइस, इसको मैं फटाफट से पूरा कर लूँ, उसके बाद में उस वाली फैक्ट्री पर अपन काम करेंगे। पहले इनको बेच के तो चल एक काम करेंगे, इनको बाद में बेचेंगे, पहले अपनी जो फैक्ट्री का काम है ना उसको पूरा करेंगे अपन। ठीक है ओके, तो गाइस यहाँ पे मैंने सारे सारे कूलर्स लोड कर दिए हैं, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। सबसे पहले काम कर लेता हूँ मैं, थोड़ा बहुत अपन हमारा जो ब्लू प्रिंट है ना उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, लाइक उस पर थोड़ा बहुत अपन प्लैंक वगैरह डाल देते हैं, बाकी सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। अगर अभी हो जाता है तो अपन अभी कर लेंगे, और नेक्स्ट एपिसोड में फिर ना बीफ काउ वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं ना वो लेकर आएंगे अपन। ठीक है, स्टेयर्स पूरी करते हैं, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम होने वाला है वो है फाउंडेशन को पूरा करना भाई। तो फाउंडेशन के लिए अपने को बहुत सारा प्लैंक लगने वाला है। दिक्कत यही है, मेरे को लग रहा है कि ना प्लैंक्स की साइड से कमी पड़ सकती है अभी हिसाब से तो देखा जाए तो, या फिर नहीं, प्लैंक है मेरे पास काफ़ी सारा रखा है, 200 तो उधर रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं इतनी। पर एक बार फिर भी मुझे लग नहीं रहा कि हो पाएगा, हो जाएगा तो अभी कर लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट एपिसोड में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उस चीज़ की। मैं ट्राई करूंगा कि इसमें ना सारे चीज़ जितना प्लैंक है ना वो लग जाए अभी फिलहाल तो। ठीक है, क्योंकि मेरे को इसको अच्छा खासा बनाना है, इसके अंदर बीफ लेकर आनी है भाई, और या इसको भाई एकदम अलग ही बनाया मैंने इस बार ना, लाइक थोड़ा हटके ट्राई किया है थोड़ा सा, देखते हैं कि कैसा ये बनेगा पूरा। मेरे को तो लग रहा है शायद अच्छा खासा बन सकता है थोड़ा बहुत। वैसे मैंने नीचे का फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा पूरा यहाँ पे कर दिया है, आई थिंक लास्ट 2 बचे हुए हैं, तो इनको मैं फटाफट से पूरा कर देता हूँ। अरे यार एक एक प्लैंक के लिए इतना दूर दूर भगा रहे हैं भाई, मेरे को क्या बोलूँ मैं भी ना। चलो ये लास्ट बचा है, इसके बाद में अपने को दीवारें पूरी करनी है, दीवारों में लेकिन ग्लास लगेगा। तो भाई इसमें पता बढ़िया चीज़ क्या है, इसमें ना कम लाइक वो लगते हैं, इसमें सिर्फ ग्लास एक्स्ट्रा चीज़ है, अदरवाइज वुडन प्लैंक जो है ना काफ़ी कम लगते हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है। लाइक एक बार में 2-3 अपन पूरे कर पाते हैं आराम से, तो यू नो लाइक काफ़ी सारा प्लैंक इसमें बच जाता है अपना वैसे देखा जाए सही में यार। चलो इसको तो मैं कर नहीं सकता अभी, और इसमें लगा देता हूँ, बाहर से लगा देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। ठीक है, ग्लास तो मेरे पे रखा होगा जितना मुझे याद है, यहाँ पे इसको कर दिया था, इसको कर दिया, इसमें लगाना है, इसमें लगाना है, और इसमें लगाना है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। और अभी ना मैं सोच रहा हूँ ऊपर का एक बार काम हो जाए तो, लेकिन उसके लिए मेरे को दीवारें लगानी ज़रूरी है पहले, तभी मैं जो फ्लोर है ना वो ऐड कर सकता हूँ वहाँ पे। एक बार ये बन गया ना उसके बाद में देखते कैसा लगेगा फाइनल लुक इसका, बढ़िया बनेगा तो मज़ा आ जाएगा भाई। और कोई काम करता हूँ, दरवाजे ना ऐड कर देता हूँ ताकि अपना काम आसान हो जाए थोड़ा बहुत। यहाँ पर ग्लास ऐड कर देते हैं, ग्लास की कमी तो नहीं है, चलो ठीक है। ये देखो गाइस, ये देखो बस, तुम जस्ट वेट एंड वॉच, अभी बहुत तगड़ा बनाएंगे इसको भी तो अपन। ये इधर लग जाए यार, चलो इसमें ग्लास वगैरह ऐड कर देता हूँ, सिर्फ अपना प्लैंक लगाना बाकी बचेगा अब। ठीक है भाई, एक ग्लास लगाने के लिए इतनी दूर भाग के आया हूँ मैं। ठीक है, इसमें तो मैं लगा नहीं सकता, पहले मेरे को ये सारे सारे जो फ्रेम है ना वो पूरे करने पड़ेंगे उनको लगाने से पहले। तो यहाँ पर देखते हैं, इसके लिए मेरे को पहले मेरे को ना पहले इसके लिए फ्रेम जो होता है ना इसका, ये लगाना पड़ेगा ताकि मैं दरवाजे ऐड कर सकूँ यहाँ पर। ठीक है, इसको लगा देते हैं, और यहाँ पे बन गए दरवाजे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई। अभी देखना गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा बनने वाला है यहाँ पे। इसको लगाते हैं, इसको लगाते हैं, या नाइस वन, बहुत बढ़िया बिल्ड बनने वाला है अपना ये वाला भी भाई। रुको ज़रा, यहाँ पे लगाते दीवारों पर प्लैंक, इधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। और बार्न हाउस जो है ना घोड़े का, लाइक ये तो हमारा
यहाँ पे उस यहीं पे बगल में बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो घोड़े का बार्न हाउस होएगा और पीछे उसका ट्रेनिंग सेंटर होएगा, जहाँ पर उनको ट्रेन करके अपन अच्छे खासे प्राइस में सेल करेंगे। लो अभी मैं ना यहाँ ऊपर प्लैंक लगाना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है। और मेरे को ना यहाँ पे इनके जो फ्रेम है ना वो ऐड करने ज़रूरी है, पता है क्यों? क्योंकि उसके बिना ना अगर मैंने गलती से दीवार तोड़ दी ना, तो सारा का सारा जो फ्लोर है ना ऊपर वाला वो टूट जाएगा भाई, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पर ऐड करना शुरू करते हैं, ताकि इसको अपन अच्छे खासा ना एकदम तगड़ा सा बना दें, मजबूत सा। यहाँ पर और लेते हैं और इसको यहाँ ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। एक सेकंड, इसको बनाने से पहले मेरे को लगा ये क्या दिक्कत हो रही है इसके अंदर। रुको एक सेकंड गाइस, सारा प्लैंक लेके जान दो भाई। यार प्लैंक की कमी पड़ सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है भाई, प्लैंक के सीन बैठ सकता है इधर। प्लीज़ यार ऐसा ना हो। वैसे प्लैंक है यार मेरे पे, 200 भी रखा हुआ है। वहाँ पर अपन ने तोड़ी थी ना चीज़ें, तो उसका निकल के आया था अपने पास काफ़ी सारा प्लैंक ना, उसको यूज़ करके देखेंगे अभी क्या सीन है भाई इसका। इधर लग जाएगा ये भाई, मैं जितना प्लैंक लेकर आ रहा हूँ ख़त्म हो जा रहा है भाई। यूँ ये देखो भाई, अभी अभी बच गया। अभी मेरे को ऐड करने ये फ्रेम्स, ठीक है, ये फ्रेम्स ज़रूरी। ये मेटल किस बात का मांग रहा है? अच्छा लाइटों का मेटल मांग रहा है, ओके। इसके बाद अपन थोड़ा ना ऊपर के साइड में फोकस करेंगे, क्योंकि मैं इसको थोड़ा देखना चाहता हूँ कि बाहर से कैसा लगेगा आखिर इसका लुक, जो लुक मिलने वाला है ना इसके अंदर। अरे यार मैं गलती से लाइट पर लगा दिया, सॉरी गाइस, इधर लगा देता हूँ भाई। इसमें 6 प्लैंक लगने वाला है, ले भाई ये तो सीन है। वो इसमें लगा देते हैं और इधर भी लगा देता हूँ, एक यहाँ आ जाएगा। एंड अपने को अभी फाइनल लुक देखने को मिलेगा, उससे पहले ग्लास जो है ना वो निकाल के लेकर आता हूँ, ताकि अपने को बाहर से देख तो एक बार ये कैसा लग रहा है ये, ठीक है। इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं और इधर लगाते हैं, इधर लगाते हैं, नाइस, इधर और इधर। भाई यार बढ़िया तो लग रहा है गाइस, हाँ तुम लोग मुझे कॉमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है कैसे नहीं। सही में बढ़िया लग रहा है यार। अभी रुक जाओ, अभी आप अगर इसको पूरा फ्रेम का काम कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा उसकी वजह से। तो बल्कि और देखना, अभी ये लगा दिया भाई, सही में बहुत तगड़ी फैक्ट्री अपनी बनने वाली है। ऑफलाइन में क्या करूँगा ना, अपने प्लैंक्स लेकर आएंगे, ठीक है, और काफ़ी सारे प्लैंक्स लेकर यहाँ पर इसको पूरा काम अपन कर देंगे जल्द ही। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ ना, रुको गाइस, अपन अभी जा रहे हैं और हमारे जो ऑयल वाली जो मशीन है उनको मैं चेकआउट करके जाना चेकआउट करके आना चाहता हूँ, कि आखिर वहाँ पे जो है तेल वगैरह है कि नहीं उन फैक्ट्रीज़ के अंदर, क्योंकि उसके बिना तो भाई मशीन चलेंगी नहीं, और मशीन के अंदर फिर तेल नहीं होगा तो भाई अपन पैसा कैसे कमाएंगे, समझ रहे हो। तो ज़रूरी है चेक करना, और बाकी जो जितना भी सेलिंग वेलिंग का काम है सब कुछ अपन नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। रुक जाओ ज़रा एक सेकंड, ओए रुक जा आराम से चल, तेरी भैंस की साढ़े हट सामने से। मशीन तो चल रही है वैसे यार, आई थिंक लोगों जब से बग फिक्स किया ना तब से आई थिंक सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है इसके अंदर। अभी तो बहुत सारा तेल बचा है भाई इतने दिनों से, ओ भाई साहब, इसको पूरा फिल कर देता हूँ मैं, और एक बार ना दूसरी वाली फैक्ट्री पे देख कर आ जाते हैं, क्योंकि उस पर तो मैंने काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं दिया इसलिए, ठीक है। तो एक बार चलकर आते हैं आंटी जी के पास में और उनसे थोड़ा बहुत काम वाम लेकर, थोड़ा बहुत वैसे पैसे की तो ज़रूरत है नहीं अपने को, हमारे पास पैसा बहुत है, बाकी अपन किसी दिन ना सारे के सारे क्वेस्ट पूरी करेंगे जितने भी ये लोग लाइक इसके अंदर होती है ना। ये देखिए भेड़ियों को, साढ़े एक तो गाड़ी से भेड़िए कैसे नहीं मरते मेरे को वो बताओ भाई, मतलब इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है, मतलब क्या है भाई वो गाड़ी से टक्कर खा के, मतलब वो क्या इतना सुपर पावर है कि मतलब पावरफुल है कितना ज़्यादा कि भाई मेरे ट्रक को हिला देता पूरा वो है, ये कैसा है एनिमल है भाई, हद है। अभी देखना मरे हुए तो भाई, मरे हुए तो देखो ये पूरा ऐसे हो जाता है, लेकिन साढ़ा जो जिंदा है उनको तो क्या बोलूँ भाई मैं, बस पता नहीं क्या क्या बनाते टाइम पर क्या कर रहे थे। ये देखिए भाई प्लीज़, ओ माय गॉड गाइस, दिस गेम भाई मेरे को लिटरली बहुत परेशान करता है गेम, बिन मतलब के। और साला इसमें दिक्कत अब ये हो गई है कि इसमें ट्रीज़ कट नहीं कर सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये चीज़ है भाई। वो ये वाली फैक्ट्री भी काम कर रही है अभी तक तो, नाइस वन रे, बहुत बढ़िया। ये देखो वाओ नाइस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे फेंको, बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, ये बहुत बढ़िया भाई, ठीक है भाई। मैं गाइस बाद में लेकर आऊँगा ट्रेलर वगैरह, ठीक है, मेरा हो गया भाई, मैं नहीं अभी कर रहा कुछ भी, साला इतनी दूर तक मैं नहीं भाग भाग के जा रहा, हाँ नहीं तो यार दिमाग खराब कर रखा है फालतू का इस गेम ने, साला ही बग तो ठीक करते नहीं भाई ये लोग। चलो तो गाइस मैं ना आज के इस एपिसोड को बस यहीं तक एंड रख रहा हूँ, ठीक है, एंड प्लीज़ देव्स कुछ जो बग्स है ना प्लीज़ ठीक कर दो इनको। एंड गाइस यार आज के इस एपिसोड को बस इतना रखते हैं, आई रियली होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, अगर मजा आता है नीचे लाइक पर दबाना, सब्सक्राइब चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।